तव निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व नमो देवे महादेवे शिवाय सत्तम लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अलावा और कहां कहां से रिजाइन करने की सोच रहे हैं? अनु 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 तू मुझे मुझे दिखाई नहीं दे रही हो। तुम्हारे अलावा मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम नहीं दिख रहे, बिल्कुल नहीं दिख रही हो। लेकिन आवाज तो यहीं कहीं बड़े बड़े करीब से आई थी। ऊपर वाला भी मेरी पीड़ा और व्यथा देखकर कमाल का अरेंजमेंट कर रहा है। जिनसे मैं अपना पीछा छुड़वाना चाहता हूं वो लोग मुझे 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 दिख ही नहीं रहा। लेकिन अनु 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 तुम मुझे मुझे देख और मुझे मुझे सुन सकती हो। चलो अच्छा है, तुम्हारा मेरे साथ रहने का शौक भी पूरा हो जाएगा और मुझे तुम्हें सिर्फ सुनना होगा तो मेरा सफर भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हाँ बोलो, कैसी हो तुम? कुणाल आज ऋषभ मिल गया था। ऋषभ तुम्हें कहाँ मिल गया? पता नहीं कहाँ से मेरा पीछा करते करते पहुँच गया। ऋषभ को तुम्हारा घर तो नहीं पता चल गया? नहीं नहीं, थैंक गॉड उसे मेरे घर का पता नहीं है, मेरे पार्लर आया था वो। मेरी तो जान गले में अटक गई, जैसे तैसे करके मैंने उससे पीछा छुड़ाया। उस पार्लर में कोई ऐसा तो नहीं है जो तुम्हारा घर जानता हो? कुणाल सिर्फ तुम्हें मेरे घर के बारे में मालूम है। और तुम बताओगी नहीं और मुझसे वो पूछेगा नहीं? लेकिन ऋषभ मुझे दिन रात ढूंढ रहा है। भटकने दो उसे, शायद यही उसका पश्चाताप है। ओके। फूलों में अगर कोई कसर रह गई हो तो वो कसर है मेरे जैसे फूल की। हर फूल मेरी तरफ गर्दन उठाकर देख रहा है और कह रहा है, व्हाट अ फूल व्हाट अ फूल व्हाट अ फूल। मुबारक हो प्रियंका, तुम बाजार में भिंडी लेने गई थी और तुम्हें नौकरी मिल गई।
बधाई हो प्रियंका, बिना डिग्री, बिना इंटरव्यू, बिना काबिलियत के नौकरी, और वो भी लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। मुबारकबाद देने वाले ये सारे लोग ठीक ही कह रहे थे जी। ना तो मैं ऑफिस में नौकरी के लिए गई थी और ना ही मुझे वहां नौकरी करनी थी। पर सच में इस नौकरी के लिए तो ना ही मेरे पास डिग्री है और ना ही एक्सपीरियंस है। फूल भेजने वाले इन लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा है। हाँ, ये भी तो पता चले कि ये फूल भेजने वाले लोग है कौन। डायरेक्ट मुझे पता चला कि मुझे बताए बिना प्रियंका को लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में नौकरी मिल गई है, तो मैंने एक बुके भेजा। मेरा दिल फिर भी नहीं भरा तो मैंने 10 बुके भेज दिए। लेकिन मेरा जी फिर भी नहीं भरा गया तो मैंने इतने सारे बुके भेज दिए। मैं अपने काबिल, जिम्मेदार और बड़े बेटे से कुछ बात करना चाहता हूं। आप लोग अंदर जाएं। जाने के सारे फूल तुमने भेजे। फूलों के भेष में जो कांटे चलकर आए हैं वो देखिए। ये तो मैं देख ही रहा हूं, पर बेटा तुम पलटकर बीते हुए कल को जरा देखो। देखो हमारी इस बहू पर क्या क्या पहाड़ टूटे हैं। उसे हमारे सहारे की जरूरत है। बिल्कुल यही, बिल्कुल ऐसा ही जज्बा था उस मेहनती दरिया दिल किसान का, जब उसकी झोपड़ी का दरवाजा किसी ने खटखटाया था। किसान ने जब दरवाजा खोलकर देखा तो हांफते हुए एक ऊंट के नथुने दरवाजे से झांक रहे थे। किसान समझ गया कि ऊंट बहुत ही प्यासा है। किसान ने ऊंट को पानी पिलाया, ऊंट ने और पानी मांगा, और हर एक घूंट के साथ ऊंट धीरे धीरे अंदर आने लगा। पहले सर अंदर आया और फिर धीरे धीरे धड़ भी अंदर घुस गया। और अब सुना है कि वो घर के अंदर और किसान अपने ही घर के बाहर रहता है। और जब प्यासा किसान दरवाजा खटखटाता है तो दरवाजा अंदर से नहीं खुलता है। प्रियंका को नौकरी मैंने दी है, उसने मुझसे मांगी नहीं थी। ऋषभ, मैं इस घर में एक नया दौर लाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे इसमें तेरी मदद चाहिए। वो दौर आप बेशक घर में लाइएगा, ऑफिस में नहीं। तो आप मुझे बताएंगे कि मुझे मेरे ऑफिस में क्या करना है और क्या नहीं। मैं बेशक प्रेसिडेंट ऑफ लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को यह नहीं बता सकता कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, पर मैं इल्तिजा प्रेसिडेंट साहब से जरूर कर सकता हूं कि मुझसे क्या होगा और क्या नहीं होगा। जिस ऑफिस में प्रियंका काम करेगी, मुझसे उस ऑफिस में काम नहीं। कमांड ऋषभ,
ये कमान कमान वाला ही एटीट्यूड था उस किसान का, जिसके घर में अब ऊंट रहता है और किसान घर के बाहर। तुम्हारे पापा और मुझे तुम्हारे बनाए कॉफी की आदत पड़ती जा रही है। एक बात कहूं, ऑफिस में तुम ही डैड को कॉफी बनाकर पिलाना, उन्हें अच्छा लगेगा। अम्मा आपको लगता है कि आज के जेठ जी के रिएक्शन के बाद भी मुझे ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए? तुम्हारे जेठ जी के रिएक्शन से अगर ये घर चलता ना, तो रमन और मैं न जाने कब के अलग हो गए होते। नहीं अम्मा, मैं नहीं मानती इस बात को। वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। मैं आज तक ये बात समझ नहीं पाई कि वो मेरी ममता की वजह से मेरी इज्जत करता है या अपने डैड के डर से मेरा मान रखता है। आप श्योर अम्मा? आपकी ममता की वजह से? इस घर का एक कड़वा सत्य है, मेरा बड़ा बेटा ऋषभ के रिएक्शंस का शिकार हो चुका है। वो नहीं चाहता था कि रोहन इस घर में रहे, तो ऋषभ ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मेरे रोहन का घर उसे छूट ही गया। इस एक हादसे से मैं बहुत कुछ सीखी हूं प्रियंका। इसीलिए तो मैं कह रही हूं अम्मा कि ऐसे हालात पैदा ही क्यों किए जाए। मेरे ऑफिस ज्वाइन करने से क्या हासिल हो जाएगा? तुम्हारे डैड ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर मैं जानती हूं कि रमन क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बहुत देर हो चुकी है, पर रमन ऋषभ को जिंदगी के कुछ वो सबक सिखाना चाहते हैं जो उसे बड़े होने से पहले सीख लेने चाहिए थे। तो बेटा, सिर्फ तुम्हारे ऑफिस में काम करने की बात नहीं है, रमन चाहते हैं कि ऋषभ को तुम्हारी आदत हो जाए, वो तुम्हें पूरी तरह से अपना ले। जो इंसान दिल में कड़वाहट लेकर घूमता है, वही कड़वाहट इंसान को जिंदगी से, रिश्तों से दूर ही ले जाता है। तुम्हें लेकर वो जो कड़वाहट अपने दिल में लिए घूम रहा है, वही कड़वाहट उसे जिंदगी से, रिश्तों से दूर ही ले जा रहा है। बेटा, शुरू शुरू में वो बहुत छटपटाता है अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ हो रहा हो, पर फिर धीरे धीरे वो उसे कबूल कर ही लेता है। अब समझी? चली हवा धीरे आना, नींद भरे पंख दिए झूला झूला जाना। ऋषभ, ये क्या कर रहे हो तुम? ऋषभ बताओ तो सही, क्या कर रहे हो? ऋषभ, मेरी गुड़िया फेंक दी। ये तो कुछ भी नहीं, अब देखो तुम्हारा ये गुड्डा क्या क्या करता है। ऋषभ, ये हाथ मत लगा। मैंने, हम तो इस घर के रामू काका हो गए, हर कोई हम पर हुकुम चलाता है। घर पर मामा का आदेश, ऑफिस में डैड का हुकुम, बिजनेस पर प्रियंका का दखल, और मेरा ये बेडरूम तुमने
अनाथ आश्रम बना दिया। मेरी जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं जिस पर मेरा अपना बस चलता हो। आज रामू का गए तो कल टॉमी कुत्ते हो जाएंगे। नहीं टॉमी ये मत करो, नहीं टॉमी वो मत करो, नो नो टॉमी वहां जाकर बैठो। अरे शंभू काका टॉमी को चेन से बांधो। ये जो तुमने आज किया ना वो तुमने अच्छा नहीं किया ऋषभ। करोने के नाम पर हमारी रिश्ते के बीच भी एक दिन का रह गया जिसमें मैंने अपने बसेरा किया हुआ था और आज तुमने वो सिंका भी मिटा दिया ऋषभ। मुझसे बात करनी होगी, आज हमारी बात होगी।
आ गए कुणाल।